तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में हमारे मैच में आता है एक इमबोट वाला हैकर। हैकर से मुलाकात होती है काफ़ी दिनों बाद, मतलब अब तो हैकर दिखते ही नहीं वैसे इतने ज़्यादा, क्योंकि मैं रैंक पुश वगैरह इतना करता नहीं अभी के टाइम में, तो हैकर दिखते भी नहीं, क्योंकि हैकर दिखते थे तो तुम्हारा भाई रैंक पुश भी नहीं करता। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो में हमारे मैच में आता है एक हैकर। मैं खेल रहा था अपने दोस्त के साथ, तो भाई जब हैकर आया मैं तुम्हें क्या बताऊँ, एक तो भाई मेरे पास लड़की टीममेट, ऊपर से मैं क्या बताऊँ बहुत बुरा मार गया। और इमबोट वाला हैकर था भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, और मैचेस जा रहे थे हमारे बहुत ही ज़्यादा सही, मतलब अब देखो फ्री की किल और फ्री की चीज़ है, तुम्हारा लाइन नहीं छोड़ता, मैंने तो उठा दिए सारे के सारे फ्री के किल, बट फ्री की चीज़ है कभी मार भी बहुत बुरी पड़ जाती है। तो यहाँ पे वही हुआ मेरे साथ, मुझे किसी बंदे ने पीछे से मार दिया, और अभी मैं यहाँ पे एक रिवाइव लेता हूँ, और रिवाइव लेने के बाद दोबारा देखता हूँ इन बंदों को कि हाँ भाई किसने मुझे पीछे से मारा। साला सामने से तो मार नहीं पाते, बंदे पीछे से मार देते एकदम। अभी देखो मुझे फर्स्ट एड वगैरह सब मिल गई थी, और ये मेरा लेवल 3 का दूसरा बैक पैक है मेरा टीममेट, तो समझ के रखना कि हाँ कुछ भी मुझे चाहिए होगा इससे ही मांगूंगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे टीममेट मेरे लिए लेवल 4 का बैक पैक का काम करते हैं, लेवल 3 का तो ऑलरेडी है, लेवल 4 का बैक पैक ये इनको उठा दे, जो भी इनकी लूट होती है वो मेरी होती है, सालों से कुछ भी मांगो एकदम दे देते। अच्छे इनके लिए भी एक लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं कितना हरा भी हूँ इनके नाम पे भी लाइक सब्सक्राइब। अभी फिलहाल ये बंदा पता नहीं क्या ही रश कर रहा था, बट क्लोज रेंज में इसको पहला भैया ऐसे नहीं मार सकते। तो गाइस, क्या आप भी बीजेएमआई टूर्नामेंट्स खेल के रोज 50,000 रुपए तक जीतना चाहते हो, तो ये पार्ट एंड तक देखना। ए भाई बताना भाई। तो गाइस ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 25 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है, और गाइस ये ऐप 8 करोड़ से ज्यादा की विनिंग दे चुकी है अभी तक। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको काफी टाइप्स के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम है। और तो और गाइस इस ऐप में कस्टम रूम की भी कोई जरूरत नहीं है, बस अपना क्लासिक रैंक्ड मैच खेलो जैसे रोज खेलते हो, और सो स्ट्रॉन्ग आपके किल्स खुद डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ रोज बीजेएमआई खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और गाइस सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में अभी तक बेस्ट है। तो गाइस सो स्ट्रॉन्ग का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और गाइस पिन कमेंट में दे रखा है, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और आपको 600 रुपए साइन अप करते ही बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा, जिससे कि आप फ्री टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा, अभी साइन अप करो। और गाइस मजे की बात तो यह है कि आप जो जीते हुए पैसे हैं वो गाइस गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी यूपीआई ऐप्स के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 50,000 डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। अब देखो उस वाले बंदे को मारने के बाद मैं जैसे ही तुरंत हील वगैरह करता हूँ, तो भाई मुझे पता था कि मेरे ऊपर अभी और भी बंदों का रश होने वाला है, वो भी बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से, क्योंकि 4 किल मेरे हो रखे हैं। और यहाँ पे इस वाले मोड में इतने ज्यादा बंदे उतरते हैं ना भाई, एकदम मतलब खतरनाक ही रश होता है बंदों का। ठीक है, तो फिलहाल एक बंदा मुझे दिखता है, दूसरे बंदों को गोली करता हुआ। मैंने कहा साले तो दूसरे बंदों की जलाएगा, इससे पहले मैं थोड़ी जला देता हूँ। तो फिलहाल मैंने इस बंदे को रोक करा, और तुरंत यहाँ पे मैं इस जंप वाली जगह का यूज करता हूँ और सीधा जाता हूँ इस ऊपर, और ये मुझे बहुत सही लगता है भाई, इस पे चढ़ के जो इतना सेटिस्फाइंग लगता है पूरे गेम में, अभी के टाइम में मेरी फेवरेट चीज़ है एक ये, एक कारपेट और एक टेलीपोर्ट, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा सही लगती है। अभी फिलहाल एडीएस लेके इस बंदे को मारा, और AKM गाइस इस गन को OG गन का खिताब दो, और इसके साथ दो M4 को खिताब, बाकी गन रिमूव करो। और DBS भी तुम्हारे भाई ने चलाई थी एक मैच में, मज़ा आ गया, बट यार थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, अजीब लगता है उसको चला के ना, ऐसा लगता है कि भाई कुछ स्किल सेट वाला गेम हो नहीं रहा, क्योंकि बस तुम बंदों के मारते रहो, वो धब धब करके अब बंदे मरते रहते हैं। अब बाकी ये मेरी चॉइस है, मुझे AR गन से स्टार्टिंग से खेलना पसंद है काफ़ी ज़्यादा, जिन भी बंदे को खेलते देख रहे हैं उन्हें पता होगा क्या मैं यूजुअली असोल्ट राइफल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने आज तक स्नाइपर नहीं उठाई, मैं नहीं उठाता, स्नाइपिंग करता ही नहीं मेरा, वही है घुस घुस के मारो मरो कुछ भी हो, बस मारो जरूर बंदों को भाई, ऐसा मार दो बंदों को कि बंदे कहें कि हाँ भाई कोई तो भी आया था और गलती मार गया, और पिटना भी तो ऐसा पिटो कि हाँ अबे ये क्या मर गया, ये कौन था, ये बोट जो मर गया हमारे से, तो वही वाला सीन है। इस गेम में फन के लिए खेलो, ये बंदा रश करता है, इसे नहीं पता कि TPP वाला गेम है, साले TPP ले रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही थोड़ा ना मर जाऊँगा। तो अभी फिलहाल देखो मैंने इस वाले बंदे को भी मार दिया था। अब मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें घंघोर कैंपिंग बहन, मैं बहुत तगड़ी कैंपिंग गाइस, बहुत तगड़ी, जो कि नहीं हो रही थी यहाँ पे वो ऊपर नहीं हो रही थी, वो हो रही थी यहाँ पे जब मैं कालीन लेके यहाँ पे घूम रहा था, तो मुझे एक बंदा पहले स्पॉट हो गया। ठीक है, अब तुम कहोगे स्पॉट कहाँ पे हो गया, वो वाला था मैंने कट लगा दिया, चलो हैकर नहीं हूँ मैं। ठीक है, अभी ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उधर से दिखे मैं कालीन खोल रहा था भाई, ये बंदा कैंपिंग कौन से लेवल की कर रहा था, ये क्या कैंपिंग थी, एक तो पूरे ओपन में बैठा हुआ, ऊपर से कैंपिंग, और किसी कवर ववर में बैठ, कहीं कुछ बढ़िया जगह बैठ यार, क्या कर रहा। तो फिलहाल इसकी पेटी बनाई, और इसकी पेटी पता नहीं जगह से उधर ही चली गई अगली तरफ,
अब यहाँ पे हमने उठाया अपना कालीन और हम जा रहे थे बोट की तरफ, क्योंकि बोट पर मिल जाती है अच्छी खासी लूट, बंदों के खेल मिल जाते हैं। तो मैं बोट पर आया, देखा तो क्या भाई, मतलब सामने फाइट हो रही है। मैंने कहा छोड़ो बोट पे बाद में जाएंगे, अभी सामने चलते हैं। देखा तो क्या, इसका फ्यूल खत्म हो गया। इसका फ्यूल इतनी जल्दी खत्म होता है ना भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बिल्कुल ही बेकार गलत सीन हो गया यहाँ पे। तो ओपन में ही इसका फ्यूल खत्म हो गया और मेरी किस्मत देखो, सामने ही हैकर। और तुम बोलोगे अबे मर जाता है तो हैकर वैकर बोल देता है, ऐसा नहीं है गाइस। ये बैन भी हुआ था, जैसे इसने मुझे मारा तो ये बैन भी होगा। अभी देखना, मुझे एक बार मार दिया, मैंने बहुत सारे बंदे मारे तब ये बैन नहीं हुआ। अभी फिलहाल मैंने बंदे को नॉक करा, ये बंदा लेजिट था पनिशर नाम का, ठीक है। इस बंदे को ध्यान रखना, इसको भी हैकर ही मारेगा बेचारे को, ठीक है। यहाँ पे हमारी लेजिटली मोस्ट ऑफ दी बंदों से जो भी यहाँ पे उतरे हुए थे उनसे फाइट चल रही थी बढ़िया। बट बीच में आ जाते हैं यार ये हैकर वैकर साले चीटर लोग, क्या बताऊँ मैं। 2 रुपये का हैक टेलीग्राम से खरीद के कुत्ते कहीं के यहाँ हैक करते हैं, बताओ मैं क्या बोलूँ इन्हें। और रैंक पुशर्स को और हमारे जैसे नॉर्मल यूट्यूबर्स को जो कि गेम प्ले बनाते हैं उन्हें परेशान करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे टेलीपोर्ट खोला, मैं तो अपना नॉर्मल लेजिटली खेल रहा था, टेलीपोर्ट से भाई रश वगैरह कर रहा था। यहाँ पे टेलीपोर्ट खोला, एक वहाँ से खोला और सीधा मैं आ गया यहाँ पर। मैं थोड़ा ज़्यादा ही मुंह पे आ गया बंदों को, फिर दोनों बंदे मुझे मारने लगे। मैंने सोचा एक बंदा होगा, एक रिवाइव कर रहा होगा, दोबारा टेलीपोर्ट में आके पीछे आ गया अपने टीममेट के पास। अब वो बंदा रश करता है, वो भी टेलीपोर्ट से दोबारा अपने टीममेट के पास चला जाता है, इस पर फिनिश नहीं होता वो, ठीक है। तो वो पीछे चला गया और अब यहाँ पे मुझे मिलता है एक आराम से तगड़ा सा रिवाइव। अब जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ तब इसको बंदे कर देते हैं लेजिट वाले बंदे नोक। और ये भाई जो हैकर मेरे पीछे पड़ता है, जो इसने मेरे स्प्रे दिया, अभी देखना मेरे सामने से कैसा स्प्रे पड़ेगा। बंदे का नाम याद रखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन सा बंदा बैन हुआ। तो अभी यहाँ पे मैं पड़ गया और यहाँ पे ये लेजिट बंदा था जिसने मेरे टीममेट को नोक करा, बट मुझे जो मारेगा वो हैकर था। यहाँ पे मैंने एक स्मोक करा, मैं सोच रहा था एक फर्स्ट एड लगा लूँ बस, सामने वाले बंदे तो मुझे मार नहीं रहते क्योंकि मैं उन्हें स्पॉट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं घास में पड़ा हुआ था, ठीक है। बट भाई ये हैकर को मैं एकदम दिख गया, मतलब वो थोड़ा साइड में था, एंगल भी था, बट हाँ दिख गया मुझे, ठीक है। और उसको स्प्रे भाई लेज़र, तो यहाँ पे उसने मुझे मारा, मेरे टीममेट को भी भाई उसने ही फिनिश करा। और उसका नाम याद रखना, कैसे था कुछ खान कुछ करके ऐसे, ठीक है। तो अभी तुमने देखा इसने मुझे मारा, मैंने कहा चलो यार अपनी लूट लेते हैं, दोबारा पोचिंग की जंप करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा पोचिंग की जंप करता हूँ, तुम्हें पता है मेरे अंदर ना एक आदत है मेरा भाई, वो हो जाता है थोड़ा सा ना ईगो है, अगर मैं मर जाता हूँ ना किसी बंदे से तो मैं लगता है, मैंने कहा नहीं भाई इसे दोबारा उतर के मारेंगे, वही सीन है मेरे साथ। फिर दोबारा यहीं पर उतरता हूँ, मैंने कहा चलो आओ इस बंदे पर पुश करते हैं, दोबारा देखेंगे भाई किसने मार दिया हमें। अब जैसे ही मैं यहाँ पर उतरता हूँ तो मैं बिल्कुल आराम से ग्लाइड करके उतर रहा था, मुझे पता था ये बंदे मुझे मिलेंगे, मुझे मेरी लूट भी मिलेगी। अगर मैंने इन बंदों को मार दिया तो मुझे सारी की सारी लूट मिल जाएगी। अब मैं जाके मिलिट्री बेस में सारी लूट दोबारा से करूँ, भाई वैसा तो मेरा नेचर है नहीं और ना मैं वैसे खेलता, ठीक है, थोड़ा अलग ही है। तो अभी मेरे पास स्कारल थी, मुझे लग रहा था कि हाँ मार देंगे, तो अब मैं जाता हूँ इन बंदों को मारने। और मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि भाई पिछली बार तो मेरे से गलती होगी, मैं ओपन में फंस गया था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई जो है मैं पिटा अपनी गलती की वजह से पिटा। बट इस बार मुझे पता था कि नहीं भाई इस बार तो मैं मारूंगा, तो मैंने एक एनर्जी ड्रिंक लगाई और मैं सीधा भाग भाग के जा रहा सीधा। और भाई मेरे एक सनसनाती हुई M24 पड़ी, देखो कैसे पड़ी, बिल्कुल हेड ये पड़ा हेड, और मेरा हेड गया और ये बंदा बैन। देखा जिस बंदे ने मेरे M24 मारी तुरंत वो बंदा बैन। और तुम पीछे करके देख लेना, इसी बंदे ने मुझे पहले भी मारा था जब मैं ओपन में फंसा था, तब भी हैकर नहीं मारा था और अभी भी हैकर से ही नोक हुआ। तो मुझे पता था इसके टीममेट तो होंगे आराम खोर की, क्योंकि स्क्वाड मैच है और हम डू भी स्क्वाड खेल रहे हैं। तो मैं टीममेट को बोलता हूं, मेरे पीछे आ जा कवर दे और मुझे रिवाइव दे, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इस घर में आ जाता हूँ और भाई सीधा रिवाइव लेता हूँ। रिवाइव होने के मेरे चांसेस तो थे नहीं क्योंकि उसके बंदे इतने ब्रूटली तरीके से पुश कर रहे थे मेरे ऊपर, उन्हें पता था कि भाई ये यूट्यूबर है इसे मारो साले को, और अगर इसको नहीं मारा तो ये हमें पेलेगा क्योंकि इनके साथ वाला तो हैकर मर चुका। और भाई इन बंदों को देखना कैसे क्लच करा अभी। तो पहले एक को फिनिश करा, उसके बाद ये चटाई लेके भाग रहा था, बारी थी इसकी लास्ट की। आ जा बेटे तू भी, चलो इन सब बंदों को मार दे, बच रहा था इनका लास्ट बंदा जो कि हैकर था, वो बैन हो गया पीछे। अब देखो यहाँ मुझे अपनी टीममेट को रिवाइव करना था, जोन आ रहा था मेरे पास, हीलिंग मिली थी, सबसे पहले फिनिश करता हूँ इनको, इनकी पेटी से हीलिंग वगैरह उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे हीलिंग वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जैसे ही मैंने हीलिंग वगैरह उठाई तो सीधा मैं जाता हूँ भाई अपने टीममेट को रिवाइव करने क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी था। अब मैंने इसे रिवाइव करा, उसके बाद मैंने एक लगाई फर्स्ट एड, देन हम दोबारा से कारपेट उठाते हैं और जाते हैं जोन में। तो भाई तुम मुझे बताओ कि अभी भी इस गेम में, आज तक इस गेम से हैकर क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहे, मतलब इस चीज़ का तुम मुझे एक रीज़न देना, क्योंकि अगर इस गेम से हैकर ख़त्म हो जाएंगे बहुत फेयर गेम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जिस गेम में हैकर होते हैं ना, तो
तो थोड़ा यार फेयर कंपटीशन लगता नहीं एक तरीके से, ठीक है? तुम इतनी मेहनत करके अपनी स्किल डेवलप करो, रैंक पुश करो, देन तुम हैकर मार जाए, और आजकल तो 6 घंटे मिलते हैं गेम में, तो उसी में तुम्हें रैंक पुश करना होता है, वो टाइम भी मैनेज करना होता है, तो दिक्कत होती है। फिलहाल एक गाड़ी दी, एक बंदा एयरड्रॉप लूटने जा रहा था, इसको मारा। अब बाकी दिन गाड़ी वाले बंदों की, अब भाई मैं इतनी ओपन में फंस गया था, ये बंदे हैकर नहीं थे, मैंने हैकर नहीं बोलूंगा, जिन बंदों से मैं लेजिटली मर जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं लेजिटली मरा हूँ, ठीक है? तो ये बंदे, पहले तो मैं सोचता हूँ किसी को निकाल दूँ, पर भाई सामने वाले बंदे को पता नहीं क्या ही तो भी हेड वेड पड़ जाता है मेरे ग्रोजा का, और ग्रोजा तुम्हें पता है भाई कितनी खतरनाक गन है, मुझे ही मार देता है, मेरी टीममेट को भी। उसके बाद हम दोबारा उतरते हैं इवेंट पे एक और गेम में, मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करते हैं, और उसमें भी मैं 14-15 किल पे मरा था, और इसमें भी तुम देखना मेरे साथ क्या सीन होगा। तो हो गए लेजेंड भाई, ये क्या हो जाता है तुम्हारे साथ कभी कभी? भाई मुझे नहीं पता, कभी कभी तो मेरे मैचेस जाते हैं एकदम खतरनाक भाई, 25 किल 23 किल वैसे, और कभी कभी 15 किल पे, कभी 16 किल पे, तो वही सीन मेरे साथ होता है। कभी कभी मैचेस बहुत ही ज़्यादा सेक्सी चले जाते हैं, और कभी कभी तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, गोबर चले जाते हैं पूरे, गोबर। अभी फिलहाल मैंने इस बंदे को नोक करा, पता नहीं भाई कहाँ पे घूम रहा था, और रात में थी S12 के, मैंने पता नहीं क्यों सोचा मैं S12 के से स्प्रे कर दूंगा, बट ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी फिलहाल मैं इस बंदे को मार दूँ, और एक चीज़ में तुम्हें बता नहीं भूल गया, अपना क्यों आने वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तुमने मुझे सबमिट भी करे थे, कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि सारे इतने तो हमारी वीडियो रख ली उठा, बट ऐसा नहीं है गाइस, जरूर हम ड्रॉप करेंगे अपना Q&A आज जो एडिटिंग के साथ। तुम्हें पता है जो काम करते हैं भाई बढ़िया ही करते हैं, वरना नहीं करते, मेरा ऐसा ही मानना है, कुछ करो तो अच्छा करो वरना मत करो, ठीक है? तो अभी फिलहाल सामने मेरे एक बंदा था जिसको कि मैं मार देता हूँ स्मोक में भाई ये बंदा नोक पड़ा हुआ था, और किसी का पीछे से किल चुराने में ना जो सेटिस्फेक्शन है मुझे कहीं नहीं देखने को मिलती, ठीक है? अब मैं कह रहा था गंगोर कैंपिंग, ये देखो गंगोर कैंपिंग, फिलहाल बंदे के सामने स्प्रे दिया एक बंदे की, तो टपली बजा दी मैंने, ठीक है? उसके बाद मैं इस बंदे में डालता हूँ नेड, और ये डांस वाला ग्रेनेड एक तो यहीं, ये डांस वाला ग्रेनेड सॉरी नॉर्मल ग्रेनेड मेरे पे एक यहीं गिर गया, और दूसरा ग्रेनेड मैं वहाँ पे डालता हूँ, कोई नहीं मरता भाई कोई भी, मतलब ग्रेनेड तो या तो बंदूकबाज के तगड़े हैं, मेरे पे तो नहीं लगते भाई ग्रेनेड, मैं नहीं मार सकता ग्रेनेड, ग्रेनेड वाला आदमी हुई नहीं, कभी कभी तो ऐसे लग जाते कुछ खतरनाक ही मार देता मैं ग्रेनेड में, बट वही है कभी कभी बोला ना मैंने, वो भी तो देखो ना तुम मैंने क्या बोला है उससे पहले, कभी कभी होता है वो मेरे साथ, और ये देखो बेचारा ग्रेनेड कर रहा था। अब देखो यहाँ से आ रहे थे फुट ना, यहाँ पे कोई बंदा नोक पड़ा ना, यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा, जितने भी बंदे थे सारे के सारे वो मर चुके। मैं कह रहा मैंने कहा यार बंदे को ये कर क्या रहा था, ये किसके ग्रेनेड मार रहा था है? अब मैंने देखा भाई ये तो किसी कैंपर के ही ग्रेनेड मार रहा था, और इस कैंपर को मारना पड़ेगा मुझे ही। वो कैंपर गाइस ऐसा चढ़ा हुआ छत पे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ वो कैसा चढ़ा, इधर वो मुझे दिखा नहीं, ठीक है? वो जो चारों कोने वोने सब देख लिए मैंने, अब वो दिखे मुझे उसका हल्का सा सर, मैंने उसको दिया वो पीछे भाग गया। अब ये कैंपर की नसल होती है ऐसी है, अब सामने से भी बंदा आ गया, मैंने कहा चलो सामने वाले को पुश करके मारना पड़ेगा और ना ये दिक्कत देगा, और कैंपर को तुम भाई जब तुम्हारे पे खाली टाइम हो ना पूरा तभी मारना, और तुम्हारे आसपास बंदे ना हो, वरना कैंपर तो सारा तुम्हें मारेगा ही मारेगा, और दूसरे बंदे की ओर मारेंगे। ग्रेनेड यहाँ से जाने का कोई एंगल नहीं था, मोली वोली मैंने करके देखी नहीं जा रही थी भाई उतनी ऊपर, और पीछे गिर जा रही थी, तो मैंने सोचा इस बंदे को मार दो सामने, इस बंदे को मारा पूरा फिनिश भाई पूरा। अब बारी थी उस वाले बंदे की, वो पीक वीक तो ले नहीं रहा था, तो उसके आगे ना नीचे मैंने कहा यार ये चढ़ा तो होगा किसी ना किसी तरीके से, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर ही लैंड करा हो इसे करने के लिए, ठीक है? तो मुझे पता था वो बंदा चढ़ा तो होगा, और इसको भी फिनिश करा, ये उसका टीममेट था जिसको हमने अभी मारा, ठीक है? तो अब मुझे पता था कि ये बंदा चढ़ा होगा किसी ना किसी तरीके से, इन्हें कुछ ना कुछ तो भाई ट्रिकबाजी लगाई होगी। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, देखता हूँ ये ऐसा गोल था ना वहाँ पे पड़ा हुआ था जहाँ पे वो बंदा चढ़ा हुआ था, मैं चलो सीधा भाई वहीं पे चलते हैं जहाँ पे ये बंदा चढ़ा हुआ था, और मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ और एक नेड़ मारता हूँ इसके मुँह पे ही सीधा। मैंने कहा साले तू पड़ा ही रहा, अब तो खड़ा होगा ना, और यहाँ पे इस बॉक्स पे चढ़ के आराम से इसको मार देता हूँ। अगर मैं पहले बॉक्स पे चढ़ जाता तो मैं स्प्रे दे के मार देता, क्योंकि वो पड़ा हुआ था उस पर एडवांटेज था, वैसे ओपन में दिखता और बहुत गलत मारता, ठीक है? तो फिलहाल इस बंदे को मारा पूरा का पूरा, यहाँ से क्लियर करा, कोई भी बंदा मतलब अभी बच नहीं रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बच रहा था ये, और अभी हमें सामान करना था, इसने थोड़ा डैमेज दिया, मैं कवर में आता हूँ। अपनी टीममेट को बोलता हूँ मैंने कहा मत जाइए पुश मत करिए उस पर, फर्स्ट एड लगाते हैं और बाद में इस बंदे पे पुश करेंगे, देन करेंगे गाइस जिन समन। यहाँ पे जिन समन तुम्हारा भाई करता ही है, अगर जिन समन नहीं करता तो मैच ही लीव कर देता हूँ, खेलता ही नहीं हूँ। अगर मर जाता हूँ ना यहाँ पे तो नहीं खेलता हूँ, यहीं का खेलता हूँ कि हाँ भाई अगर यहाँ पे जीऊँगा तो ही आगे खेलूँगा, क्योंकि यार रिकॉल कार्ड मिल जाता है, बढ़िया लूट मिल जाती है। अब फिलहाल उधर से भाई जीवित रहने के बाद, जिन समन करने के बाद, रिकॉल कार्ड लेने के बाद हम आ चुके थे यहाँ पे भाई। यहाँ से निकला एक कार्पेट, ये जब कार्पेट साइड से निकल जाते हैं ना इतनी ऊपर हवा में, मुझे लगता है ये गेम में क्या हो रहा है भाई कसम से,
क्योंकि मैं पबजी मोबाइल प्लेयर, मैंने भाई बहुत डिसेंट गेम देखा है, ये बहुत नॉर्मल। और जब मैं कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ जिसमें कि कारपेट उड़ उड़ के जा रहे हैं, ऐसी हवा में उड़ रहे, तो मुझे थोड़ा ऑर्डिनरी सी लगा कि क्या है ये। अभी फिलहाल इन दोनों बंदों को मार देने समझ भी नहीं आया कि भाई ने कैसे मार दिया मैंने, ठीक है। जैसे इन वाले बंदों को मारा, इनकी लूट वगैरह ली, और पता नहीं कुछ तो भी प्लेट वलेट खाने का है इसमें, तुम इससे हील कर सकते हो, वो मैंने भी देखा। उसके बाद यहाँ पे जो मुझे एक बंदा दिखा, मैंने इतने ऊपर से स्प्रे दिया और भाई ये बोल रहा होगा कि कहाँ से पड़ रही है। तो फिलहाल इस बंदे को मार दिया था मैंने, मेरा मकसद था कि हाँ भाई मैं वहीं पर ही रहूँ, बोट पर घूमता रहूँ। बट फिर भी मुझे नीचे उतरना पड़ा क्योंकि मैंने उस बंदे को मार दिया था सामने वाले को। फिलहाल मुझे फिनिश करना था, मैंने इस बंदे को फिनिश करा। मेरे साइड में एक बग्गी आते, देखना इनको कैसा स्प्रे दिया भाई, बंदे बहुत लो थे बट यार एक भी उतरा नहीं, देखना भाई बहुत डैमेज दिया गया इस कसम से, बहुत डैमेज। मतलब जैसे ही बग्गी साइड से निकली मैंने स्प्रे देना स्टार्ट करा, बहुत ज़्यादा ही डैमेज दिया। और ये बंदा कहाँ देख रहा था पता नहीं भाई, ये तारे गिन रहा था दिन में, मुझे नहीं पता भाई ये बकचोद क्या कर रहा था, सच में मुझे नहीं पता। उसके बाद यहाँ से जैसे ये गाड़ी निकलती है, मैं स्प्रे देता हूँ ये बग्गी, जिसका उजाला कर दिया भाई, इसके हेड तक पड़ गया। बट यार वो रिच के पीछे चला गया ना, इसी वजह से बच गया, वरना तुम्हें पता है लॉन्ग रेंज में हाथ में M4 और 6X बंदा ना उतरे नहीं भाई, ये सब हाथ गया। उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉप आता है उसकी पेटी पे, जिसको मैंने मारा था। अब यहाँ पे होता है हमारे ऊपर एक स्कोर का रश, चूँकि बहुत ही बुरा। यहाँ पे मैंने एक बंदे को मारा, इसको नॉक करा, फिनिश नहीं कर पाया। दोबारा मैं इसको नॉक करता हूँ, फिनिश नहीं कर पाता हूँ, मतलब इसको फिनिश कर देता हूँ और बंदों को नहीं मार पाता, देखना भी क्या हुआ। यहाँ पे मेरे से एक बहुत छोटी सी गलती हो गई थी ना, वो ही मुझे बहुत महंगी पड़ी, देखना मैं तुम्हें बताऊँगा क्या गलती हुई थी। और यहाँ पे मैंने बंदों को दोबारा नॉक करा और इस बार मैंने इसे फिनिश ही कर दिया, मैंने पीछे नहीं जाने दिया इसको, ठीक है। पिछले मैच में भी 14 किल थे 15 किल थे, इस मैच में भी इतने पे, ये भाई वो हो जाता है ब्लैक डे चल जाता है, पता नहीं मेरा क्या होता है, बिल्कुल ख़राब दिन चला जाता है इसमें, ये 14-15 किल पे बार बार मरता रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने एनर्जी ड्रिंक लगाई और मैं जो है पीछे कूद गया एक जगह के, जंप करके विंडो के थ्रू। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे मुझे गोली नहीं पड़ सकती और मैं कुछ तो भी ख़तरनाक क्लच दिखाने वाला हूँ अभी के टाइम में, पर मुझे नहीं पता था कि यार यहाँ पे ये एंगल मिल जाता है बंदों को। मैं जैसे यहाँ पे जंप करता हूँ, मैं देख रहा था इधर से उस वाले बंदों को मारने के चक्कर में था, बट यहाँ पे मुझे नहीं पता था भाई मेरा एंगल उसे मिल जाएगा, और उसने हल्की सी पीक ली और मुझे मार दिया। तो होप सो गाइस यही था आज की इस गेम प्ले वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाकी हैकर्स के बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना, और साला हैकर हराम खोर मदर चोर बेटी चोर, और तब तब बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। Wanna stay up all night, oh, yeah, wanna get